आज सत्री जी जरा वो भी है सरकार आप जो बोले सो नरपै सत गुरुदास महाराज की जय गुरुदेव हर हर दा नारा लावांगे बेगमपुरा बसाएंगे हर हर दा नारा लावांगे बेगमपुरा बसाएंगे जो बोले सो नरपै सत गुरुदास महाराज की जय। जी हां, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर खुशीराम सुमन जी हमारे बीच में पधार रहे हैं इटली से और हम इनके साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और जो विचार इन्होंने रखा वो बिल्कुल हम जो है ना सहमत हैं उस बात से और जो भी बाहर से इटली से या बाहर से जहाँ से भी जो भी संगत आएगी जो भी बाहर से आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पर संत श्रोमणी गुरुदास मंदिर प्रबंधन समिति अमर कॉलोनी दिल्ली 94 है उसमें जो है ना आपका ठहरने की व्यवस्था रहेगी क्योंकि हमारे पास रूम में उपलब्ध है और खाने का उसका सब तरह ठहरने का पूरी सुविधा मिलेगी और पहले भी हमने जो गुजरात से भी आए हैं बिहार से आए गुजरात से आए कई प्रदेश उनको जो है ना कई प्रदेश से और जो ये व्यवस्था करते हैं वाला मंदिर का हुआ कम से कम हजार आदमी भी यहाँ ठहरे सूरज जी इसमें वो है कि हम हमारे यहाँ सबकी व्यवस्था थी खाने की भी और ठहरने की और हम जो है ना बिल्कुल ये नहीं वैसे करें बिल्कुल हम करते आए हैं और हमें तो और खुशी होगी अगर जो है ना हम जो है ना बाहर से जो आएंगे उनका जो है ना अच्छी तरह से स्वागत होगा और गुरु महाराज का नाम होगा। थैंक यू सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुप्रभे शासक जी दास खुशीराम सुमन फ्रॉम इटली खुशी टीवी से। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ श्री गुरुदास मंदिर अमर कॉलोनी न्यू दिल्ली में मैं आया हूँ जहाँ सभी प्रबंधक को मिलकर बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने आश्वासन दिया है कि जितने भी बाहर हमारे दास्य समाज के लोग जब भी इंडिया में आते हैं एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट भी जहाँ आ सकते हैं खाने का रहने का हर टॉयलेट वगैरह सब जहाँ उपलब्धि है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं नंबर खुशी पर डाल दूंगा और प्रधान जी ने जितनी भी प्रबंधक कमेटी मेरे साथ खड़ी हुई है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जे हमें एक अच्छा मौका दिया है हमारे समाज को जहाँ रहने वाले जो बाहर के फॉरनर हैं उनके लिए क्योंकि पहले हमें पता नहीं था कि हमारे समाज के इतने बड़े बड़े लोग बाहर से भी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था देने वाले हमारे भाई बैठे हैं कमेटियाँ बैठी हुई है मैंने कहा धन्यवाद करता हूँ खुशी की ओर से। और इन्होंने अभी मैंने बात की है जो सतगुरुदासपुर की एक तिथि होनी चाहिए सतगुरुदासपुर की 13 फरवरी 1433 माघ सदी 15 बेगमपुर का ज्ञान बांटने प्रकटे गुरु रविदास की अभी मैंने बात की है कि अगर हमारी एक डेट होगी तो हम अपने आने वाले बच्चों को अमीरियों को सदियों तक इस बात को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि जे एक गुरुदास महाराज का बेगमपुर का सपना है वो पूरा हो जाएगा। एक छुट्टी होगी पढ़े लिखे होने की खुशी का मौका होगा सभी को छुट्टी मिलेगी और हमारा समाज एक होकर सतगुरुदास महाराज की जयंती मनाएगा। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर काम करेंगे सभी संगत को बताएंगे जब भी इनकी ऐतवार को संडे को गुरुघर में संगत इकट्ठी होती है तो जहाँ जे लेखक मता पाएंगे उसके ऊपर चयन करके जो प्रबंधक कमेटियाँ दिल्ली की है उनको बताएंगे भी हम इसके ऊपर काम करें जो कैलेंडर बनाएंगे उसके ऊपर भी यही लिखेंगे 13 फरवरी 1433। तो कोशिश है अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हमारे बच्चे हमारे ऊपर गर्व करेंगे नहीं तो जैसे पहले हैं जैसे को वैसा रहेगा। तो मैं थैंक यू करता हूँ सभी कमेटी का प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद और हमारे श्रेय जी जो इस बात को मेरे साथ हमेशा ही जुड़े हुए हैं तो काम को बढ़ा रहे हैं मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। थैंक यू सर। सर मैं